दुनिया में आज देखिए, सीरिया में संघर्ष विराम की एक और कोशिश को झटका। दमिश्क के पास विद्रोहियों के इलाके में लगातार हो रही है बमबारी। सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव रूस के विरोध से खारिज। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। सीरिया में जारी तबाही पर एक और रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज नफरत से दूर इंसानियत के रिश्ते में बंधा एक इजरायली गांव, जहां साथ साथ रहते हैं यहूदी और अरब। दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक शुरू, उत्तर कोरियाई नेता की बहन ने की उद्घाटन समारोह में शिरकत। और एक ऐसा सिनेमा हॉल जहां दर्शक जाते हैं चैन की नींद सोने। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बीबीसी दुनिया में। और आज शुरुआत सीरिया से, जहां विद्रोहियों के कब्जे वाले एक इलाके में पिछले कुछ समय से सीरियाई सेना लगातार बम बरसा रही है। मगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वहां युद्ध विराम की एक अपील पर सीरिया के साथी रूस की वजह से सहमति नहीं हो सकी। रूसी राजदूत वैसिली नेमेंजिया ने ये कहा, ये होना बहुत मुश्किल है। हम सीरिया में युद्ध विराम और लड़ाई का अंत चाहते हैं, लेकिन शायद चरमपंथी अमेरिका के सुझाए हल का साथ दे रहे हैं। और सीरिया की राजधानी दमिश्क के ठीक बाहर बसे पूर्वी गूटा की सीरियाई सेना ने 2013 से ही घेराबंदी की हुई है, मगर वहां के लोग बदहाल हैं। बीबीसी की खास रिपोर्ट जिसके कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। सीरिया में दमिश्क के पास पूर्वी गोटा में आसमान से जैसे मौत हर दिन बरस रही है। सीरिया में जारी युद्ध का अंत नजर नहीं आता। सिर्फ इसी महीने अब तक 150 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच जद्दोजहद भी जारी है हर जान को बचाने की। एक बच्चे की चीख सुन बचाव कर्मी उस ओर भागते हैं, और मलबे से जिस बच्चे को बचाया जाता है वो एक बचाव कर्मी का ही बच्चा है। अपने हाथों में अपने बच्चे को लेकर सईद अल मसरी डॉक्टर के पास भागे। आज हालांकि ये दर्द उनका अपना है, पर ऐसे हालात से वो हर रोज गुजरते हैं। पूर्वी गुटा में पिछले हफ्ते 40 बच्चे मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। जैसे ही हम पहुंचे, पता चला मेरे ही घर पर बमबारी हुई है। मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, तो मेरा ही बच्चा घायल हुआ है। मैं अंदर गया तो देखा मेरे बच्चे और मेरे भाई घायल हैं। मेरा घर तबाह हो चुका था। 3 महीने का इब्राहिम ठीक हो रहा है, लेकिन उसके घर वालों को डर है कि पता नहीं अगला हमला कब हो जाए। दरअसल ये वो जगह है जहां युद्ध नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके शासन की तरफ से लगातार यहां बमबारी हो रही है। ये बम जहां तहां गिरते हैं और तबाही छोड़ जाते हैं। विद्रोहियों की तरफ से की जा रही गोलीबारी से सरकारी कब्जे वाले इलाकों में भी एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई ने अब एक भयंकर रूप ले लिया है। आसमान से मौत बरसने का सिलसिला थोड़ी देर के लिए थम जरूर गया है, लेकिन यहाँ हर कोई जानता है कि अब भी खून खराबे का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं युद्ध खत्म नहीं हो रहा है और कहीं लंबे संघर्ष के बाद शांति का संदेश दिया जा रहा है इसराइल फलस्तीन के संबंधों को लेकर। और मध्य पूर्व देशों के अपने दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री भी कल फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि पिछले कुछ समय से भारत की इसराइल से करीबियाँ बढ़ रही हैं, जिसकी फलस्तीनी अरबों के साथ पुरानी दुश्मनी रही है। मगर इसराइल में एक गाँव है, ओएसिस ऑफ पीस, जो अपने नाम के मुताबिक शांति का संदेश दे रहा है, और वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। ये उम्मीद की धुन है जिसे इसराइल और फिलिस्तीनियों की नई पीढ़ी बजा रही है। उनके बीच खड़ी नफरत की वो दीवार गिर सकती है
जो सालों से दोनों समुदायों को अलग करती रही है। राणा अबू फतह ने तो इस नफरत को करीब से महसूस किया है। जब उनकी मां की मौत हुई तो उनके यहूदी पड़ोसियों ने उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने तक नहीं दिया। उनकी तरह कई फलस्तीनी दशकों से चल रहे इस तनाव और नफरत के बीच पले बढ़े। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं ये तो महसूस करती हूँ कि मैं यहाँ की हूँ, पर एक सीमा है जिसे लांग नहीं सकती। इस तरह के लोगों से मिल तो सकती हूँ, पर यहाँ रह नहीं सकती। ये मेरा घर होकर भी मेरा नहीं है। पर एक गांव में दोनों समुदायों के दिलों से दूरियां मिटाने की कोशिश हो रही है। जहां लगभग 70 यहूदी और अरब एक साथ रहते हैं, यरूशलम और तेल अवीव के बीच एक पहाड़ी पर बसे इस गांव जितना ही इसका नाम भी खास है, जिसे अरबी और हिब्रू दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है, नेव शैलोम वहात अल सलाम। पर इन सब के बीच यहाँ बच्चों को उनके हक की आवाज उठाना और प्रदर्शन करना भी सिखाते हैं। इस पर फलस्तीनी नागरिक समाह सलीमी का कहना है कि ये जरूरी है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, छोटे बच्चों को हमें इस पूरे मामले पर बोलना और कुछ करना सिखाना होगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि शांति और प्यार का ये संदेश अब दूर तक जा रहा है और असर भी कर रहा है। और कहीं रिश्तों में नजदीकियां खेलों की वजह से बढ़ रही हैं। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग शहर में आज से विंटर ओलंपिक शुरू हो रहा है, पर इस बार खेल से ज्यादा चर्चा दोनों कोरियाई देशों के रिश्तों की हो रही है। उत्तर कोरिया ना केवल इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया है, बल्कि उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी बहन को भेजा, जो उनसे 4 साल छोटी हैं। 1950 के दशक में हुए कोरिया युद्ध के बाद पहली बार उत्तर कोरिया के किसी सत्ताधारी नेता का कोई करीबी रिश्तेदार दक्षिण कोरिया गया है। और आइए समझते हैं कि कौन है किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग। दक्षिण कोरिया विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन में हिस्सा लेने आए उत्तर कोरियाई डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं किम यो जोंग, दक्षिण कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन। वहां का मीडिया इन्हें किम जोंग उन की इवांका कहता है। किम जोंग उन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में उनकी बहन की बड़ी भूमिका रहती है। उन्हें कई सरकारी कार्यक्रमों में अपने भाई के साथ देखा गया है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो अपने देश के चेहरे के तौर पर नजर आ सकती हैं। किम यो जोंग दक्षिण कोरिया जाने वाले अपने परिवार की अभी तक की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, और वो एक ऐसे समय में वहां गई हैं जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। कहीं रिश्तों में नजदीकियां बढ़ रही हैं तो कहीं खूबसूरत दिखने की चाहत बढ़ रही है दक्षिण कोरिया में। वहाँ मर्दों में खूबसूरत दिखने की चाहत बढ़ रही है और मेकअप में अच्छा खासा पैसा खर्च करने लगे हैं। हालांकि वहाँ लड़कों का मेकअप करना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे में ये करना कितना चुनौतीपूर्ण है, एक दक्षिण कोरियाई वीडियो ब्लॉगर से जुबानी सुनिए उनकी। कोरियाई मर्दों का ब्यूटी रेवोल्यूशन, चाहे यूट्यूब हो या फिर राजधानी सोल की सड़कें, हर तरफ सजे सवरे खूबसूरत मर्द दिख जाएंगे। लेकिन क्या लड़कों का खूबसूरत दिखना इतना आसान है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा लिप बाम है, मैं इसे इस तरह लगाता हूँ। मैं अपने चेहरे की त्वचा बेहतर करने के लिए फेस पैक का इस्तेमाल भी करता हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा में था तब मेरे चेहरे पर पिंपल्स होने लगे। तब मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, जिसके बाद मैंने फाउंडेशन और कंसीलर खरीदा। मेकअप के इस्तेमाल से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन आदमियों के इस नए मेकअप ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है? पॉप ग्रुप पिछले 5 सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है। ग्रुप मेंबर आईलाइनर लगाते हैं, वो उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पहले महिलाओं का ही माना जाता था। मेकअप लगाए ये लड़के पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई हैं, लेकिन फिर भी समाज इन्हें अपना मानने से कतराता है। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे समलैंगिक समझते हैं। मैंने मेकअप लगाए लड़कों के प्रति पुरानी पीढ़ी की सोच को चुनौती देने के लिए इस चैनल की शुरुआत की है। ये मेकअप लगाए लड़कों को अच्छा नहीं समझते। और बीबीसी दुनिया में आगे एक नए तरह का सिनेमा जहां दर्शक सोने के लिए जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको नींद नहीं आती होगी, आप कोई फिल्म देखने लग जाते होंगे, पर उल्टा भी होता है, आप फिल्म देख रहे हों और आपको नींद आ जाए। थाईलैंड में इन दिनों ऐसी ही एक खास प्रदर्शनी लगी है जिसका नाम है स्लीप सिनेमा होटल। देखिए वहां क्या होता है। ऐसा सिनेमा हॉल जहां आप बेफिक्र होकर सो सकते हैं और रात भर रुक भी सकते हैं, यह है स्लीप सिनेमा होटल, जिसे थाईलैंड के मशहूर फिल्मकार अपीशाट पोंग ने बनाया है। सोना भी एक किस्म की कला है। यहाँ एक तरह से आपकी नींद को सेलिब्रेट किया जाता है। आंखें बंद करना, पलंग पे किसी खास मुद्रा में सोना, हर कुछ कलात्मक है। आप सोए हों या जागे हों, यहाँ दिन रात स्क्रीनिंग चलती रहती है। चाहे मेरी फिल्म हो या किसी और की, मैं हमेशा उसे देखने के दौरान सो जाता हूँ, भले वो कितनी ही शानदार क्यों ना हो। बेहतरीन सिनेमा यहाँ होता है। मैं आंखें बंद कर सोचने में यकीन रखता हूँ और चाहता हूँ कि इस होटल के मेहमान भी आंखें बंद कर पुरानी यादों में खो जाए। स्लीप होटल रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसे दुनिया भर में खोलने की योजना है। ये आपकी आजादी के बारे में है, आपके सपनों के बारे में है, वो सपने जो शायद आप लोगों से शेयर करना चाहें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई। वैसे मुझे सोने में बड़ी परेशानी होती थी, और जब मैं खुद के बिस्तर पे नहीं होती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी नींद आई। मैंने ढेर सारे सपने देखे। उन सपनों में कुछ वो तस्वीरें भी थी जो मैंने यहाँ देखी। मैं उठती थी, ये तस्वीरें देखती और फिर सो जाती थी। तो कम से कम जो लोग फिल्में देखते देखते सो जाते हैं उन्हें यहाँ जरूर फायदा होगा। और लेडीज कस्टमर के लिए स्पेशल चिप्स पर बहस, फिनलैंड में रेंडियर से परेशान किसान, और किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया की बियर नहीं आई रास। अमेरिका की एक जानी मानी स्नैक्स कंपनी की सीईओ ने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे लगा कि उनकी कंपनी ऐसे चिप्स बनाने जा रही है जो खास तौर से महिलाओं के लिए होंगी। उन्होंने कहा कि इन्हें आसानी से हैंडबैग में रखा जा सकता है और इसे खाते वक्त आवाज भी कम निकलेगी, और इससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बाद में कंपनी ने कहा कि इस बयान को ठीक से नहीं समझा गया। फिनलैंड के इलाके में लोग आजकल रेनडियर से परेशान हैं। वहां लैपलैंड में लोग रेनडियर को चराने को लेकर सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जानवर उनके खेतों में फसलों और जंगलों को तबाह कर रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। उत्तर कोरिया के एक अखबार के मुताबिक वहां एक नई तरह का बियर आया है जिसे बनाने के लिए टेक्निक भी बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि इसके बारे में तब सोचा गया जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया से लाई गई कुछ बियर का स्वाद पसंद नहीं आया। क्या आपको पता है कि झिंगुर कई एकड़ में फैले जंगलों को 6 महीने से भी कम समय में नष्ट कर सकता है? इस बात का पता तब चला जब पिछले साल फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में एक साल के अंदर इस कीड़े ने करीब 12,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैले जंगल को नष्ट कर दिया था। अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो इसमें ये नाव पानी में नहीं बल्कि पानी पर है। दरअसल चीन में एक जमी हुई नदी पर नावों की रेस हुई थी जिसमें ऐसे कई लोगों ने भाग लिया जिन्होंने बर्फ पर नाव चलाना सीखा भी नहीं था। हालांकि टीम स्पिरिट सीखने के लिए लोगों का ये अनुभव काफी अच्छा रहा। तो 5 बातें प्रज्ञा सिंह के साथ, और अब आज का कार्टून। रेडियो पर चाहे ट्यून आप कोई भी करें स्टेशन, मगर हर कहीं जब एक ही धुन सुनाई देने लगे तो इसे क्या कहा जा सकता है? यही समझाने की कोशिश की है हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश ने इस कार्टून के जरिए। और कार्यक्रम में आगे, बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की सजा के बाद उनके बेटे को पार्टी की कमान, और चीन में स्मार्ट चश्मे से अपराधियों को पकड़ती पुलिस। तो बीबीसी दुनिया में आगे ग्लोबल राउंड अप, आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंड अप और पहली खबर मिस्र से, जहां सेना ने देश के कई हिस्सों में चरमपंथी गुटों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इसमें मुख्य रूप से सिनाई प्रायद्वीप, नील डेल्टा और पश्चिमी रेगिस्तान के इलाकों में छिपे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को निशाना बनाया जाएगा। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने तारिक रहमान को अपना लीडर चुना है। साल 2008 से लंदन में निर्वासन में रह रहे तारिक पार्टी की पूर्व प्रमुख खालिदा जिया के बेटे हैं, जिन्हें गुरुवार को एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा सुनाई थी। चीन के वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उनका दावा है कि वो ऑपरेशन के जरिए फेफड़ों की क्षमता 30 से 50 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा स्टेम सेल की मदद से संभव हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो बीते 6 साल से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अमरीकी संसद ने नए खर्च बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को लेकर अमरीका में इस साल 2 बार सरकारी कामकाज ठप हो गया था। सुनिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रवक्ता ने इस बिल पर क्या कहा। For no matter how long it takes for us to stay here, we will focus on bringing... हम इस बिल को पास करवा कर ही रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। इस बिल के रुकने से हमारे सैनिकों का भी नुकसान हो रहा है और हम ये कतई नहीं चाहते। और इसके साथ ही खबरों में है पेरू की राजधानी लीमा, जहां 11 साल की एक बच्ची की रेप के बाद की गई हत्या से गुस्साए लोग प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जिस आदमी पर स्कूल के बाहर इस बच्ची के रेप का आरोप लगा है, वो 2 बार पहले भी यौन शोषण के गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पहली बार किसी प्रयोगशाला में मानव अंडे विकसित किए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि बेहद कम उम्र में कैंसर हो जाने के कारण जिन लोगों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उन्हें इस रिसर्च से काफी मदद मिलेगी। और चीन की पुलिस ने शुरू किया इन स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल, जो अपराधियों के चेहरे पहचान सकते हैं। ये चश्मे पुलिस के डेटाबेस से जुड़े हैं, 3 सेकंड में चेहरे को स्कैन कर सकते हैं। चीन चाहता है कि निगरानी करने के मामले में वो सबसे तेज देश बने और उसी दिशा में ये एक और कदम है। और अब कुछ खबरें दुनिया भर में फैले बीबीसी संवाददाताओं से। बीबीसी संवाददाता विकी बेकर ने ट्वीट किया है कि कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने किया मिनी स्कर्ट पहनकर प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि लड़कियां स्कर्ट ना पहने क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भटकता है। वहीं श्रीलंका में बीबीसी के संवाददाता अजाम अमीन ने भी एक ट्वीट किया है कि देश के ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई है, लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई है। बीबीसी के रॉब वॉटसन ने भी एक ट्वीट किया है कि ब्रिटेन में जापान के राजदूत ने कहा है कि अगर ब्रिटेन में काम करने से कोई फायदा नहीं होगा तो जापान की नहीं कोई भी निजी कंपनी अपना काम जारी नहीं रख पाएगी। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।